छत्तीसगढ़ में जिस जिले को मोर मुकुट कहा जाता है, आज कहानी उसी जिले की। आज रिपोर्ट उस जिले की जहां से प्रभु राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। आज बताएंगे उस जिले का हाल जिसे काले हीरे का घर माना जाता है। आज कहानी उस जिले की जिसे भूपेश सरकार ने महज 2 साल में करीब 200 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें दी हैं। और छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत जिले कोरिया पर देखिए आज हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता को लिए ये है उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे खूबसूरत जिला कोरिया। सबसे ऊपरी छोर में होने की वजह से इसे छत्तीसगढ़ का मोर मुकुट भी कहा जाता है। वैसे कोरिया जिले की पहचान यहाँ की कोयला खदानों से है। इस इलाके को काले हीरे का गढ़ माना जाता है, इसे कोयलांचल भी कहा जाता है। यह इलाका कोयले की भरपूर संपदा के साथ पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। यह जिला राम वनगमन का इलाका है। ऐसे जिले को विकसित जिला बनाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिर्फ 2 वर्ष में ही करीब 200 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दे दी है। 34,48,75,000 रुपए जल प्रदाय योजना, 30,21,43,000 रुपए के सड़क निर्माण, 34 करोड़ की लागत से नवीन जिला चिकित्सालय, 4,88,00,000 रुपए के 44 जीएडी आवास, 4,94,83,000 रुपए का स्कूल भवन निर्माण, 42,50,000 रुपए के दुकान निर्माण एवं सीसी रोड, 29,78,000 रुपए का खेल मैदान, किल्हारी को तहसील का दर्जा, अमृत धारा से लेके चुहरी के एडवेंचर पार्क से लेके और झुमका डैम से लेके जितने भी रामगमन मार्ग की हम बात करें तो एक टूरिज्म सर्किट के रूप में जो एक परिकल्पना है, जो एक बड़ी कार्य योजना है जो आगे पूरे कोरिया जिले में सैलानियों को आकर्षित करेगा और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ एक पर्यटन हब के रूप में इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने का भी काम सरकार ने की है। वहीं बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव का कहना है कि बीते 2 साल में जो भी हमारी मांगे थी सब मुख्यमंत्री ने पूरे किए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि जिले वासियों की उम्मीदों पर सरकार खरी उतर रही है। हमारे बैकुंठपुर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य शासन की तरफ से परमिशन भी मिल गया है, जगह भी चयनित हो गई है। 34 करोड़ की लागत से हमारे यहाँ जिला अस्पताल बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई विकास कार्य किए, शहर से गांव तक हर रोड पक्की बन गई और जो हम लोग बिलासपुर रायपुर मेडिकल के लिए जाते थे हमारे जिले कोरिया में 33 करोड़ द्वारा लगाकर नवीन हॉस्पिटल बनाया गया। कोरिया जिले में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं, लिहाजा इस दिशा में भी मुख्यमंत्री विशेष ध्यान दे रहे हैं। फिर चाहे वह राम वन गमन पथ को विकसित करने का काम हो या फिर अमृत धारा या एडवेंचर पार्क की, उम्मीद है कि भूपेश सरकार इसी तरह से कोरिया को प्रगति पथ पर आगे लेकर जाते रहेंगे। कोरिया से दिनेश द्विवेदी के साथ वैभव श्री पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।